स्किल, लेटेस्ट टेक्निकल स्किल और अपग्रेडेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको टाइम के साथ चलना पड़ता है और वो ही नेचुरल है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई रनिंग बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अप्लाई करना चाहते हो, हर जगह पे ये लेटेस्ट स्किल और टेक्निकल स्किल का डिमांड है। टेक्निकल स्किल और लेटेस्ट स्किल वो है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल, आपके पास एक 12 डिग्री है लेकिन वो इसका प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और ये प्रैक्टिकली हेल्पफुल नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत सारे कंपनीज उनके एम्प्लॉय को हायर करने के लिए ये लोग जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा भी देखा गया है, विदाउट डिग्री सिर्फ स्किल के ऊपर बेस करके बहुत सारे कंपनियाँ उनको रिक्रूट करते हैं और अच्छा खासा सैलरी अर्न करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग के साथ जुड़ के भी अच्छा खासा डॉलर अर्न कर रहे हैं। पहले ऐसा एक कोर्स करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था और सब जगह पे ये अवेलेबल नहीं था और आपको ज़्यादा पैसा भी आपको पेमेंट करना पड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम लोग अभी ऑनलाइन जाना पसंद कर रहे हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप आपके रिज्यूमे में भी ये ऐड कर सकते हैं और आप इसके साथ जुड़ के आप ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हैं। आज हम शेयर करने जा रहे हैं टॉप 21 ऑनलाइन बिजनेस कोर्सेस जो आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। एडिशनली हम जानेंगे आप कैसे चूज करेंगे किसी स्पेसिफिक एक कोर्स को अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस हो तो। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत अदय वर्मा और आप कनेक्ट हो रहे हैं प्रशांत स्टार्टअप के साथ। सो फोकस में रहिए। ये जितने सारे ऑनलाइन कोर्सेस है ये CPD सर्टिफाइड है और ICOES यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एक्रेडिटेड है और प्रोफेशनल टीचर्स भी अवेलेबल है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस US और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्सेस है। आफ्टर फिनिशिंग ऑनलाइन कोर्स आपको इंस्टेंटली सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और मनी बैक गारंटी भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा चॉइस है तो आप वो भी कर सकते हैं। एक नंबर में कंटेंट राइटिंग, एग्जांपल एफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कैटलॉग और प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट राइटिंग का ह्यूज डिमांड है। दो नंबर में एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस प्लानिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बिजनेस प्लान होना जरूरी है और वो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल बेस पे। क्लीन बिजनेस स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको जानना चाहिए और दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सके। तीन नंबर में ग्लोबल बिजनेस टारगेटिंग, ग्लोबल बिजनेस टारगेट एक इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप किस किस चीज़ के बेस पे आपका मार्केट टारगेट करेंगे, इसका क्वालिटी कंपटीशन क्या क्या है और कैसे आप मार्केट कस्टमर को रीच करेंगे। चार नंबर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट कोर्स है कोई भी बिजनेस रन के लिए। इसका टोटल प्लान आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट इनसाइड और आउटसाइड मॉनिटरिंग चाहिए बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए। पाँच नंबर में बिजनेस इन्वेस्टमेंट, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पॉलिसी क्या होना चाहिए, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, कितना परसेंटेज रिस्क है, रिटर्न क्या है, कौन सा सेक्टर में बेटर होगा इन्वेस्टमेंट, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। छः नंबर में बिजनेस मैनेजमेंट, आप सब जानते हैं कोई भी अच्छा रनिंग बिजनेस में बिजनेस मैनेजर होते हैं, वो मैनेजर बिजनेस को प्रैक्टिकली मैनेज करते हैं और इसमें आप डीपली जाएंगे तो और बड़ा बिजनेस में फोकस करेंगे तो हर सेक्टर में बिजनेस मैनेजर रहता है और वो आपके स्पेसिफिक सेक्टर को मैनेज करता है और इसीलिए आपको ये स्किल बहुत ज़रूरी है।
सात नंबर में डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अभी मोस्ट ट्रेंडिंग है और वो ग्रो कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके ऑफिस में बैठ के पूरा दुनिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। ये एक फास्टेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है। एग्जाम्पल, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग एक्सेट्रा। आठ नंबर में फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्लानिंग। किसी भी छोटे और बड़े बिजनेस का फिनेंशियल अकाउंटिंग और फ्यूचर प्लान बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी बिजनेस फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके लिए आपको ये जानना है। नौ नंबर में वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग अभी एक बड़ा बिजनेस ट्रेंड है। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो एड्स और एंटायर फिल्म इंडस्ट्री को वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए और आप फ्रीलांसर के साथ जुड़ के भी अर्न कर सकते हैं। दस नंबर में डाटा साइंस। डाटा साइंस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। डाटा ही बेस है। एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस टारगेट के लिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च और एनालिसिस चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट्स देखेंगे तो प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितना है, प्राइस कितना है, कॉम्पिटिशन क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, आखिर में बेस्ट कौन सा है, ये एनालिसिस के लिए डाटा साइंस टेक्नोलॉजी और स्किल आपको चाहिए। अगर ये स्किल आपको पता है तो बहुत सारे कंपनी को ये सर्विस चाहिए। 11 नंबर में वेब डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा सोर्स है वेबसाइट। सही क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल वेब डेवलपमेंट सर्विस का ग्लोबल मार्केट में बहुत डिमांड है और इसका एक अच्छा इनकम सोर्स है फाइबर। फाइबर फ्रीलांसिंग और दूसरा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। 12 नंबर में बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशन। आपका बिजनेस तो है, इसको एक्सपांड और रन के लिए बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशन टेक्निक चाहिए। सही बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। 13 नंबर में कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज जानते हो तो आप ट्रांसलेट करके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। 14 नंबर में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी को ये स्किल चाहिए। 15 नंबर में अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग। बिजनेस का मंथली, ईयरली अकाउंट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फाइल प्रिपरेशन के लिए अकाउंटिंग और बुककीपिंग सर्विस का अच्छा डिमांड है। इसमें एक्सेल, जीएसटी नॉलेज इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। 16 नंबर में रिटेल फंडामेंटल। कस्टमर कल्चर, कस्टमर हिस्ट्री, कस्टमर डिमांड, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड बिजनेस इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। 17 नंबर में ऑनलाइन टीचिंग। वर्ल्ड पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन एजुकेशन सब जगह पे एक्सपांड हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग बहुत रीजनेबल और इफेक्टिव है। थ्रू इंटरनेट और मोबाइल आप कहीं से भी ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास टीचर के द्वारा सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। 18 नंबर में रियल इस्टेट डिप्लोमा। रियल इस्टेट बिजनेस मोस्टली सब जगह पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट नॉलेज के लिए ऑनलाइन रियल इस्टेट डिप्लोमा का कोर्स करके ये बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, US और यूरोपियन कंट्रीज में ये सर्टिफिकेट से रियल्टर लाइसेंस आप बना सकते हो। 19 नंबर में कोडिंग। कोडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी ग्लोबल मार्केट में। वेब डेवलपमेंट, गेमिंग और भी टेक्निकल लैंग्वेज में कोडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है। 20 नंबर में ग्राफिक्स डिज़ाइन। ग्राफिक्स डिज़ाइन एक बड़ा आर्ट है जिसका कोई सीमा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन और वीडियो प्रोडक्शन इसका बड़ा रिसोर्स है। 21 नंबर में मेकअप एंड आर्टिस्ट्री। ब्यूटिशियन और मेकअप सर्विस के लिए आपको जानना है ये लेटेस्ट स्किल। इसका डिमांड हमेशा रहेगा।
अगर आपके पास ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है और आपका फिनेंशियल इशू है तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक कोर्स को फोकस करेंगे और आप देखेंगे आपका किस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन से काम आपको दिल से अच्छा लगता है, और 1, 2, 3 नंबर का एक लिस्ट कीजिए और इसका मार्केट डिमांड और सप्लाई का इसका एनालिसिस कीजिए। अगर आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम है और कोई चॉइस नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2nd और 3rd नंबर में जो कोर्स है वो आप चूज़ कर सकते हैं और जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और जिससे आप इंस्टेंटली अर्न कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके स्किल को सही प्लेटफॉर्म में लाना है और कीजिए आपके क्वालिटी को एक्सप्लोर, कीजिए कितना बड़ा काम आपको करना है। सही कम्युनिकेशन और प्रिपरेशन आपको आपके टारगेट में पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।